कि आपको करने की आवश्यकता क्या है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर सबसे पहला आएगा ऑलवेज आपको करना क्या है, एक्साइटेड एंड हैप्पी। आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है और ऑलवेज आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे, एक्साइटेड नहीं रहोगे, आप लोगों को अपने साथ हैप्पी और एक्साइटेड बना नहीं पाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा जब भी आपको मिलेगा एनर्जेटिक के साथ मिलेगा, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा कैसा होता है उसकी बाद में बात करेंगे। दूसरा चीज होता है क्रिएटिव इन वर्क। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला रोज कुछ नया सोचता है, रोज कुछ नया करना चाहता है और एक ही काम को 10 तरीके से करता है। लेकिन जिसका एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है वो क्या करता है उसके बाद में हम बात करेंगे। फिर बात आती है कि वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग जो होते हैं वो ऑलवेज तैयार होते हैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को अपनाने के लिए। फिर जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। वो सुबह भी वही मेहनत करेंगे, शाम को भी वही मेहनत करेंगे, और जब भी उनको मिला जाए वो काम को लेकर कभी भी मना नहीं करेंगे। और जिन लोगों का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है वो लोग काम से भागते हैं। फिर इन लोगों का वेल ड्रेस होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बात बताई। अगर आप मैनेजर हो, अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर के लेवल पर कंपनी को रन कर रहे हो, तो आपका ड्रेस कोड बाकियों से अलग होना चाहिए। आप लगने चाहिए आप मैनेजर हो, नहीं तो कई दुकानों के अंदर जाकर हम ऑनर को ही पूछते हैं कि आना मालिक कौन है, और ऐसा कई जगह हुआ है। ऑनर को ही जाकर पूछते हैं ऑनर कौन है, और उनको बहुत अपने आप को शर्मिंदगी होती है बताने की कि सर मैं ही ऑनर हूं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि काम करने वाला या उसको लीड करने वाला है कौन। तो आपको वो पोजीशन अपनी बनानी होती है। फिर आता है आपको रेडी फॉर लर्निंग, सीखने के लिए तैयार रहना है। कामयाब होना है तो सीखते रहना है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के अंदर होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो लोग होते हैं ऑलवेज सैड, जिनको हम कहते हैं प्रॉब्लम। उनका नंबर भी सेव करते हैं प्रॉब्लम के नाम से। उनका फोन आ गया मतलब प्रॉब्लम आ गया, और वो लोग मिलते हैं सैड, इसका मतलब उनका माइंडसेट ऐसा होता है मैं भी मरूं तू भी मर चल हम सब लोग मिलकर मरते। तो ऐसे लोगों की संगत में कभी नहीं जाना है कि जो सैड लोग हैं। अब आपको देखना पड़ेगा ये नेगेटिव लोगों का दूसरा क्या होता है। तो ऑलवेज टॉक अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, उनका फोकस ही यहां पर लगा हुआ होता है नेगेटिव चीजों को देखना और नेगेटिव बातें करना और नेगेटिव चीजों को ही हाईलाइट करना। तो वो ऑलवेज बाल की खाल निकालेंगे, वो ऑलवेज अच्छी चीजों में बुरी चीजों को देख लेंगे। फिर ये नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, तो लेजी होते हैं वर्क को लेकर। काम करने के अंदर उनको कोई भी इंटरेस्ट होता नहीं है, वो काम करने के लिए जाते हैं टाइम पास करने के लिए, और वो घड़ी को देखकर काम करते हैं और सोचते हैं कब मेरा दिन खत्म हो और कब ये दिन पूरा करूं। तो ऐसे लोगों के साथ काम हमें नहीं करना है। फिर हमें यहां पर देखना पड़ेगा नो ड्रेसिंग सेंस, उनको पता ही नहीं होता है कि शर्ट कौन सा पहनना है, पैंट कौन सी पहननी है, कैसे अपने आप को ग्रूम करना है। वो कुछ भी पहनकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे और बोलेंगे मुझे काम दो, मेरा काम से मतलब है, मेरे अपने आप से कोई मतलब नहीं। फिर ये लोग ऐसे होते हैं ऑलवेज वर्क विथ ओल्ड पैटर्न, उनको पुराना तरीका अपना लिया होता है, उसी तरीके से वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नया तरीका अपनाएंगे नहीं, नई चीजों का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ये लोग कैसे होते हैं वर्क फॉर सैलरी नॉट फॉर कंपनी ग्रोथ, क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स होता है जितना मिलेगा उतना ही रिटर्न देंगे। कि सक्सेसफुल लोगों की आदतें जो होती है या जो एटीट्यूड होता है वो किस तरीके का बिल्ड होना चाहिए। तो अब सक्सेसफुल लोगों की आदतों में सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि ये चीज जो है वो हमें अपनानी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकर। एक सक्सेसफुल इंसान जो है वो पॉजिटिव चीजों को सोचता है, पॉजिटिव बातें करता है, और उसकी सोच भी पॉजिटिव होती है।
तो जब पॉजिटिव सोच होगी तो काम भी अच्छी तरीके से वो कर पाएगा। दूसरा हमें देखना है बिलीव इन टीम वर्क। अगर हमें अपना एटीट्यूड सक्सेसफुल मैनेजर की तरह बनाना है तो टीम वर्क में बिलीव करना पड़ेगा, अकेले काम करने से दूर रहना है, लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तीसरी चीज यहां पर आपको बताई गई है, कोई भी काम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, खाली टास्क पूरा करने के लिए नहीं। उसके बाद विन विन सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है, कंपनी का भी ग्रोथ हो, आपका भी ग्रोथ हो और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी ग्रोथ हो। और उसके बाद आपको देखना है ऑलवेज थिंक वर्क फॉर कंपनी ग्रोथ, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो ये चीजों को अब आपको अपने रूटीन में लाना है एज अ मैनेजर और उसको आपको आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे कि वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर्स। कि आज तक अगर आपने अपना एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं किया है तो आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, और अगर आपका एटीट्यूड आपने मजबूत बना लिया है तो आपका कैरेक्टर भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो उसी तरीके से आपको फोकस करना है, आपको अपना एटीट्यूड जो है वो स्ट्रांग बिल्ड करना है। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज जो एज फॉर द स्किल, तो स्किल्ड का मतलब क्या होता है और स्किल किसको कहा जाता है। तो व्हाट डू यू डू विथ व्हाट यू नो, क्या आप करते हैं जो आप जानते हैं उसके साथ, वही आपकी कलाकारी है और वही कलाकारी आपने विकसित की होती है जो आपकी अभी तक आपने बिल्ड की हुई है। और ये स्किल्ड जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के अंदर जिस स्किल को बिल्ड करते हैं वो हार्ड स्किल होती है, जो इनबिल्ड होती है। जहां पर बात आती है डिग्री और सर्टिफिकेट की, जो आपने सीखा, जो आपने जाना और जो आपने सर्टिफिकेट हासिल किया वो आपकी हार्ड स्किल है। दूसरी स्किल होती है मशीनरिंग को लेकर नॉलेज जो होता है, अलग अलग चीजों को चलाना, अलग अलग मशीन को ऑपरेट करना, तो वो भी आपकी हार्ड स्किल में आएगा। तीसरा है कंप्यूटर प्रोग्राम, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने में मास्टरी होती है, तो वो जो स्किल आएगी वो भी हार्ड स्किल के अंदर आएगी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का हैंड आर्ट होता है, कई लोगों की कलाकारी होती है हाथों से बहुत सारी चीजों को बनाना, तो वो भी आपका जो स्किल हो गया वो हार्ड स्किल है। अब आपको जो डेवलप करने की जरूरत है एज अ सक्सेसफुल मैनेजर, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको यहां पर सॉफ्ट स्किल जो है वो बिल्ड करनी है। और ये सॉफ्ट स्किल के अंदर सबसे पहला क्या आएगा, टीम वर्क, जो आपको आगे लेकर जाएगा वो आपकी टीम को आगे लेकर जाएगा, और आपकी टीम को जो पर्सन आगे लेकर जाएगा वही कंपनी को भी आगे बढ़ाएगा। तो आज आपको टीम वर्क जो है वो करना सीखना है, उसके लिए आपको अपनी स्किल बढ़ानी है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कई लोगों की मास्टरी होती है कि वो अकेले में बात करने में मास्टर्स होते हैं, लोगों के बीच में बोल नहीं पाते हैं। दो लोगों के बीच में बोलना, 10 लोगों के बीच में बोलना, 20 लोगों के बीच में बोलना, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से होगा। फिर आपको देखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट, कि जिस टाइम पर आप अपना काम कर रहे हो और अपने काम को अपना 100% दे रहे हो, तो वो टाइम के हिसाब से आपका काम जो है वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है मोटिवेशन। कई लोग बाहर की चीजों से मोटिवेट होते हैं और कई लोग इंटरनल मोटिवेट होते हैं। तो बाहर की चीजें अगर आपको मोटिवेट कर रही है वो टेम्पररी करेगी, अंदर की चीजों को अगर आपने बिल्ड कर दिया वो परमानेंट मोटिवेशन आपके साथ रहेगा। और परमानेंट मोटिवेशन की जब बात आती है, अपने पेरेंट्स को याद कर लिया करो, क्योंकि आपके माँ बाप जिस परिस्थिति के अंदर है और वो दिल से चाहते हैं उनकी परिस्थिति को बदलना, वो जिम्मेदारी आपकी है। और उनको देखकर जो मोटिवेशन आपको मिलेगा वही आपको लाइफ में आगे ग्रो करवाएगा। उसके बाद आता है टाइम पंचुअलिटी, कि हर चीज जो है वो टाइम के साथ और टाइम के हिसाब से होना चाहिए। तो आज ये सारी चीजें जो इंसान अपनी स्किल्ड के अंदर बिल्ड करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसी से वो अपनी चीजों को बिल्ड कर पाएगा। तो ये सॉफ्ट स्किल जो है वो हमें बिल्ड करनी है। अब आगे अपने डिस्कशन करते हैं कि एक सक्सेसफुल अगर हमें
एक लीडर होना है, एक मैनेजर बनना है, तो हमें तीन तरीके की कलाकारी विकसित करनी है, जहां पर हमें पीपल स्किल सीखनी है, डेटा स्किल सीखनी है और थिंकिंग करने की स्किल सीखनी है। तो ये तीन चीजें जब हम सीखेंगे तो अच्छी तरीके से हम अपनी कंपनी के अंदर एक मैनेजर का रोल प्ले कर पाएंगे। और अगर हमें पीपल स्किल सीखना है तो उसमें करना क्या है, तो पीपल स्किल में सबसे पहला आएगा हेल्पिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, कि यहां पर आपको करना यह है, लोगों के साथ जब काम करना है लोगों को समझना आपको सीखना पड़ेगा कि लोग किस तरीके के हैं, लोगों का माइंडसेट कैसा है, लोगों से क्या बात करनी है, लोगों को कौन से टाइम पर क्या बोलना है। कई लोगों का ये चीज क्लियर होता ही नहीं है, जिसको जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं और जिससे जो बात करनी होती है वो करते ही नहीं है। तो ये कलाकारी और ये हेल्पिंग नेचर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को मदद करने वाला, क्योंकि आज अगर आपने किसी की मदद की है कल उठ के वो इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। सेकंड चीज जो आपको करना है कि यहां पर आपको हाउ टू कन्विंस पीपल, आपको ये सीखना पड़ेगा कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए, लोगों से काम कैसे करवाया जाए, लोगों से बात कैसी मनवाई जाए। कई बार होता ये है कस्टमर आपकी बात मानता ही नहीं है, एक बंदा आकर कस्टमर के सामने खड़ा हो जाता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। आपकी टीम मेंबर आपकी बात मानते नहीं है, एक पर्सन आकर खड़ा हो जाता है वो बात मान लेता है। तो उन्होंने कलाकारी विकसित की है जो आपको भी बिल्ड करनी है अपने अंदर। फिर आपको यहां पर सीखना पड़ेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करना भी इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव करने का मतलब यह होना चाहिए कि आपकी बातचीत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा फील हो कि कहां आकर खड़े हो गए या किस पर्सन के सामने बात कर रहे हैं। उनको ये ऑलवेज फील होना चाहिए कि इनके साथ जितनी बातचीत होगी उतना अच्छा सॉल्यूशन मिल पाएगा। फिर आगे आपको बिल्ड करनी है पब्लिक रिलेशनशिप, लोगों के साथ काम करने के लिए लोगों के साथ काम करने की कलाकारी आपको विकसित करनी पड़ेगी और वो आपको सीखना पड़ेगा लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाए, लॉन्ग टर्म का रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि कई लोगों की मास्टरी काम करने में होती है, रिलेशन बिल्ड करने में नहीं होती है, तो वो भी आपको सीखना है। और उसके बाद आता है एज अ लीडर उन सभी चीजों का नेतृत्व करना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जाना है या कंपनी को एक अच्छी पोजीशन पहुंचाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। लीड बाय योर एग्जांपल, हर चीजों में आपका एग्जांपल होना चाहिए और आपको खुद को वो करके देना पड़ेगा चैलेंजेस वाले काम, और आपको एक एग्जांपल बनना पड़ेगा लोगों के लिए। क्या बनेंगे? यस। अब आगे अपने बात करते हैं डेटा स्किल के अंदर क्या होगा। तो बहुत सारे लोग जब मैनेजर की पोजीशन पर आ जाते हैं तो उनको मल्टीटास्किंग करना होता है, तो आपको यहां पर सीखना पड़ेगा अकाउंटिंग को कैसे मैनेज किया जाए, दूसरा आपको सीखना पड़ेगा सेल्स को कैसे मैनेज किया जाए, तीसरा आपको सीखना पड़ेगा परचेजिंग कैसे होता है, चौथा आपको देखना पड़ेगा ग्राहकों को कैसे मैनेज करना होता है, और लास्ट में आएगा फाइनेंस को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। मतलब ये सारी चीजों के ऊपर धीरे धीरे आपको पकड़ बनानी है और अलग अलग डिपार्टमेंट में किया हुआ काम आपको सीखना है और उसको मेंटेन करना है, कि उसके डेटा को आपको एनालिस्ट करना सीखना पड़ेगा। और उस डेटा का एनालिसिस जब आप करोगे तो आप आगे के डिसीजन ले पाओगे और वो डिसीजन कंपनी के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए होगे। तो ये कलाकारी सीखी जाती है प्रैक्टिस से। और थर्ड चीज जो आप लोगों को आनी जरूरी है वो है थिंकिंग स्किल। तो थिंकिंग स्किल के अंदर सबसे पहले आएगा जो मैंने आपको बताया था मैनेजरियल स्किल, हर काम को मैनेज कैसे करना है, हर सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, हर सिचुएशन में अपना बेस्ट कैसे देना है वो आपको सीखना है। दूसरा आता है कंप्यूटर और इंटरनेट ऑपरेट करने का स्किल। बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जिनकी मास्टरी खुद काम करने में होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट से दूर भागते हैं। तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, सारा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए।
अगर बेसिक चीजें भी अगर आपने अच्छी तरीके से बिल्ड कर ली तो उसके ऊपर भी आप अपने आप को बेहतर ढंग से डेवलप कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंटेशन की स्किल सीखनी है, क्योंकि हर बार आपको मौका मिलेगा लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना, तो आप अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने वर्क को लोगों के सामने प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। और उसके बाद आपको सीखना है मल्टीटास्किंग स्किल। एक ही बार में, एक साथ में अगर मल्टीपल काम आ जाए, बहुत सारे लोगों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर ये कलाकारी होनी चाहिए कि मल्टीटास्किंग काम को भी अब अच्छी तरीके से कर पाओ और अच्छी तरीके से, स्मूथली तरीके से उसको आगे लेकर जाओ, क्योंकि वो भी कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए, एक ऑलराउंडर वाली। तो ये सारी चीजें आपको स्किल के अंदर सीखनी है। और सात ऐसी चीजें अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कलाकारी के अंदर, जो एक सक्सेसफुल मैनेजर के अंदर होती है, जिसमें सबसे पहला होता है बी अ क्यूरियस, उत्सुक रहो, ऑलवेज तैयार रहो नया नया जानने के लिए। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है, वो 5 साल का हो जाता है, वो परेशान कर देता है अपने परिवार के अंदर लोगों को सवाल पूछ पूछ कर, लेकिन वही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाता है, वो सवाल करना बंद कर देता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, और जब आपने क्वेश्चन करना जिंदगी में बंद कर दिया, आपको नया आंसर मिलना बंद हो जाएगा, आपको जो पता होगा उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको क्यूरियस रहना है नई नई चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए। दूसरा, डेवलप करना है आपको अपना लर्निंग स्किल। रोज आपको 1 घंटा, आधा घंटा आपको अपने लर्निंग के ऊपर देना है, सीखने के ऊपर देना है। बी अ बियॉन्ड थिंकर, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनना है, और आपको यह सोचना है एक ही काम को और बेहतर ढंग से अगर मुझे करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। फिर आगे आपको करना है फाइंड योर रोल मॉडल्स। बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के अंदर किसी मेंटर का होना, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के अंदर किसी गुरु का होना, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में किसी इंसान को मेंटर बनाना। क्योंकि मेंटर एक ऐसा इंसान होता है वो आपके अंदर के चैंपियन को बाहर निकालता है। और आज इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सबके गुरु है आपका कौन, वो आपको बनाना है। फिर आगे बात आएगी कि फाइंड योर मेंटर, उस मेंटर को खोज लेना है, उसको बता देना है, और उसको उतनी अथॉरिटी दे देनी है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे डांट भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और जरूरत पड़े तो एक लगा भी सकते हो। क्योंकि उतनी अथॉरिटी जब आपने किसी को दी होगी, वो इंसान मजबूर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा आपको अपनी जिंदगी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो वो इंसान को आपको ढूंढना है और उसको फाइनल करना है। फिर आपको गेट फीडबैक फॉर योर वर्क, रोज आपको अपने सीनियर को अपना काम देना है, उनसे फीडबैक लेना है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया के अंदर पूरी तरीके से सक्सेसफुल है या पूरी तरीके से सारे काम को कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो चीजें नहीं आती है वो फीडबैक के माध्यम से आपको कोई बताएगा और उन चीजों को आप सुधार पाओगे, तो वहां पर आपको वो चांस देना है। और बी अ रेडी फॉर लर्नर, कि ऑलवेज आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहना है, ऑलवेज तैयार रहना है। तो ये सारी बातें मैंने स्किल के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन की है, और अब एक अच्छा थॉट आप लोगों के सामने रखा है कि एक्सीलेंस इज नॉट अ स्किल, इट इज अ एटीट्यूड। अगर किसी काम को कर करके में उसमें अगर एक्सीलेंट हो जाना है, अगर बेस्ट वाला वर्जन बन जाना है, तो आपको यहां पर अपना एटीट्यूड भी उतना ही मजबूत करना है जितना आपके पास स्किल होता है। एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो इंसान बॉक्सिंग के अंदर अपने आप को चैंपियन बोलता था और वो चैंपियन था, कोई नाम मुझे बताएगा वो इंसान का, कि जो बॉक्सिंग करते करते अपनी दुनिया का एक बेताज बादशाह हुआ था।
वो ऑलवेज रिंग के अंदर जब उतरता था तो अपने आप को मारता था और अपने आप को मार मार कर बताता था कि आई एम चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। और वो इंसान का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसको एक क्वेश्चन किया बहुत सारे लोगों ने कि सर आपके अंदर ये गुरूर है या आपको ये घमंड है कि आप एक चैंपियन हो और आप ये बताते हो? तो बोलता है ऐसा नहीं है, कई बार मेरी बॉडी जब मैं रिंग में होता हूँ और सामने वाला जब मुझे पंच देता है तो मैं गिर जाता हूँ, तो गिरने के टाइम पर मेरी स्किल जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होता है, वो मेरी बॉडी को बताता है कि तू एक चैंपियन है, और वो बॉडी दोबारा रिंग में खड़ी हो जाती है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब आप बार 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 अपने आप को चीजें बताओगे और अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे और अपने आप को चैंपियन बोलोगे, ये दुनिया आपको चैंपियन बनाएगी।